नहीं दी जा सकती है। आप कभी भी किसी भी योजना का एस्टिमेट उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर सिर्फ एस्टिमेट के घोटाले को रोक दिया जाए और ईमानदार प्रतिनिधियों को सरकार चलाने की अगर जिम्मेदारी दी जाए, तो जितना रेवेन्यू हमारे पास है, जितना पैसा हमारे बजट में है, उतने पैसे से ही बिहार में विकास की गंगा बह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और रही बात कि आप 100% बजट यूज भी नहीं करते हैं, आप हमारा ज्यादा से ज्यादा बजट का जो पैसा है उसको वापस कर देते हैं, तो ये जो पैसे का बहाना है, ये बहाना है। मैं कह छे लोग नाच नावे आंगन टेढ़ा, सरकार चलवे के लूर नहीं तो दूसरा के दुर्छी दुर्छी कह रहे थे। भाई साहब, और आप तमाम नागरिकों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जुमलेबाजी बकवास बहुत कुछ हो चुका है। बिहार की जनता के सामने ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि अगर वो चाहे तो बिहार में बदलाव करें। और बिहार में बदलाव करना इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया में नौजवानों के सामने बेकारी एक विकराल रूप धारण कर चुका है। आपने कोरोना महामारी की समस्याओं को झेला है, लेकिन इस कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी इस देश में बेकारी की समस्या है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम इन समस्याओं पर रोक लगाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, अगर हम चाहते हैं कि मजदूरों को सही मजदूरी मिले, अगर हम चाहते हैं कि किसानों को उनके फसल का दाम मिले, अगर हम चाहते हैं कि पलायन रुके और इस समाज में रहने वाले हर धर्म और जाति के लोगों को बराबर का आत्मसम्मान मिले, तो आपको ये ठानना पड़ेगा, जन जन को ये ठानना पड़ेगा और महागठबंधन को अपना समर्थन देकर के इस सरकार को बदलना पड़ेगा। यह संकल्प आप तमाम लोगों को लेना होगा। बोलिए, संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सब लोग मिलकर के सरकार बदलेंगे। तो जन जन ने ये ठाना है, नया बिहार बनाना है, महागठबंधन को जिताना है। इसी बात के साथ मैं आप तमाम लोगों से यह अपील करते हुए कि अगर मतदाता ही कार्यकर्ता बन जाए और जो सुधीजन, जो नागरिक इस सभा में उपस्थित है, अगर इनका यह जोश, इनका यह समर्थन, इनकी यह एकता अगर 3 तारीख को बूथ पर भी दिखाई दे, तो हमको पक्का भरोसा है कि विभूतिपुर का भविष्य बदलने वाला है, बिहार का भविष्य बदलने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।